ओके फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के बिल्स रहते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। जबकि इस एकेडमिक ईयर में हमारे पास प्रॉमिसरी नोट सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को इस साल पढ़ना है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश था, अब अपने लैंग्वेज में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? सो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिटन इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम लोगों को, मतलब जो सेलर होता है उन लोगों को एक जो इनसिक्योरनेस होती है वो कम हो जाती है। कैसे? सो जो भी गुड्स परचेस करता है, जो भी, वो पूरे का पूरा पेमेंट हर बार करता नहीं है। कभी कभी वो क्या करता है, पार्ट पेमेंट आज ले लेना, बाद में हर आधा पेमेंट हम लोग बाद में दे देते हैं, या फिर पूरा का पूरा पेमेंट हम लोग बाद में दे देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस है, मतलब क्रेडिट बेसिस तो ट्रांजैक्शन होते ही रहते हैं। क्रेडिट मतलब मालूम है ना, उधार। सो उधार बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो उस बेसिस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है। सो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बिल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एक बिल ड्रॉन करते हैं, जिसमें हम लोग, जो ड्रॉवर होता है वो बिल ड्रॉन करता है। किसके बेसिस पे? ड्रॉवी ने जितना भी माल परचेस किया होगा उसके बेसिस पे। तो उसके बाद वो बिल ड्रॉन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर मैं मेरा साइन कर दूंगा, फिर ड्रॉवी अपना वो बिल चेक करेगा और उसके ऊपर साइन करेगा, और वो साइन करने के बाद वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, जिससे मुझे इनसिक्योरिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉवी ने मुझे फंसाया, कभी पेमेंट नहीं किया प्रॉपरली, तो मैं वो बिल लेके कोर्ट में चला जा सकता हूँ, बराबर। सो अभी यहाँ पर ड्रॉवर, ड्रॉवी हम लोग ने देखा, तो ड्रॉवर यहाँ इस ट्रांजैक्शन में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमारे पास तीन पार्टीज रहती हैं। एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी, एक होता है पे। ड्रॉवर, सबसे पहले हम लोग ड्रॉवर ही पढ़ने वाले। ड्रॉवर मतलब क्या? सो ड्रॉवर इज अ पर्सन वू ड्रॉ द बिल, मतलब शॉपकीपर, नॉर्मली जो गुड्स सोल्ड करता है, वही तो बिल बनाता है। सो वो हमारा क्या, कौन होगा? ड्रॉवर। उसके बाद सेकेंड पर्सन है, वो है ड्रॉवी, मतलब क्या, जो बिल एक्सेप्ट करता है, जिसके नाम पे मैंने बिल बनाया होगा, वो मतलब मेरा ड्रॉवी कस्टमर, बराबर। और थर्ड पर्सन आ रहा है पे। पे इज द पर्सन whom द पेमेंट इज टू बी मेड, मतलब जिसके पास मुझे पेमेंट करना है, वो होता है हमारा पे। ये तीनों होने के बाद हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल मार्क्स कितने हैं? सो टोटल मार्क्स हम लोगों को मिलने वाले हैं 16 मार्क्स। उसमें से 5 मार्क्स आप लोगों को फॉर्मेट के हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक मार्क आपका फिलिप्स का है, जो मैंने अब तक की बड़बड़ की है उसमें आप लोगों को वो मिल जाएगा। 10 मार्क्स आप लोगों को जर्नल एंट्रीज या फिर लेजर के लिए एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे मिला के टोटल आप लोगों को 16 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आने वाला है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। सबसे पहले ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, हाँ, पूरा फुल स्केप, पूरा आपका नोटबुक का जितना भी पेज है उतना पूरा का पूरा लेना है, जितना मार्जिन है वो भी उसके अंदर ऐड होना चाहिए। फिर उस बॉक्स के अंदर, ना कि बाहर, याद रखना, बॉक्स के अंदर कैपिटल वर्ड्स में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैपिटल वर्ड में लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करनी है। फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दो बॉक्स बनाने हैं। दो बॉक्स भी कैसे बनाने हैं उसके ऊपर ध्यान दो।
दो लाइन में हम लोगों को स्टैम्प बनाना है और उसके बीचों बीच हम लोगों को स्टैम्प ये कैपिटल में लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और उसके नीचे वाले चौथे लाइन में हम लोगों को एक लाइन का ये बॉक्स बनाना है। ये एक लाइन का बॉक्स बनाना है हम लोगों को। और उस वन लाइन में हम लोगों को क्या लिखना है, अमाउंट इन फिगर्स वो नहीं लिखना है, हम लोगों को रुपीस आगे लिखना है डैश। यहाँ पर मैं साइड में बना के दिखाता हूँ, ऐसा ये फॉर्मेट बनेगा आपका डैश बराबर। उसके बाद उसी के राइट हैंड साइड में जो चार लाइनें अभी अब यूज हुई ना, ये दो ये तीन और एक चार, उसी चार लाइन में हम लोगों को सबसे पहले ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर का एड्रेस दो लाइन में आएगा। ड्रॉवर एड्रेस दो लाइन में आएगा और फोर्थ लाइन में हम लोगों को डेट ऑफ बिल बराबर। उसके बाद हम लोगों को मेन पैरा पे आते हैं, जहां से हम लोगों ने ये बॉक्स ड्रॉ किया था उसी बॉक्स में आना है, उसी लाइन में आना है, इधर लिखना है। वहां पे मेंशन किया होगा हम लोगों को क्वेश्चन में कि 30 days, 20 days, 60 days, 2 months, वहाँ पे जो मेंशन किया रहेगा पीरियड, वो पीरियड हम लोगों को सबसे पहले लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 60 days, सो 60 day आफ्टर द डेट, 60 days आफ्टर द डेट पे मिस्टर और मिसेस, यहाँ पर अगर थ्री पार्टीज रहेंगी तो ये फॉर्मेट यूज़ होने वाला है, पे मिस्टर और मिसेस पेई का नाम, और एड्रेस, और हिज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज डैश जो भी अमाउंट रहेगा, वर्ड्स में लिख देना है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बराबर। फॉर्मेट याद रहेगा, 60 days आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर पे नेम एड्रेस और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज अमाउंट इन वर्ड्स ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके बाद तुरंत यहाँ पर SD स्लैश अंडरलाइन करना है, ड्रॉवर का नाम जो भी रहेगा वो लिख देना है। फिर यहाँ पर आएंगे ड्रॉवीज नेम, ड्रॉवी का एड्रेस दो लाइन में कंप्लीट करना है, फिर यहां पर एक्सेप्टेड लिखना है, ड्रॉवीज नेम मतलब यहां पर ड्रॉवीज नेम लिखना है, यहाँ पर ड्रॉवी को सिग्नेचर करने के लिए जगह छोड़नी है, एक्सेप्टेड नहीं लिखना है, SD लिखना है, और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, अगर अलग से डेट ऑफ बिल दिया रहेगा तो यहाँ पर मेंशन होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। डेट ऑफ बिल यहाँ पर मेंशन हो रही है कब बिल बना रहे हैं, और बिल अगर एक्सेप्ट करने का डेट अलग से दिया है तो ही ये आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। समझ में आया?